आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को समझेंगे। अक्सर एडीआर के पेपर में इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो इस वीडियो में हम वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट इसे डिटेल में समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट, चलिए। तो वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट, राइट टू ऑब्जेक्ट, देखो दो बातें हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि वेवर का मतलब क्या है और राइट टू ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। अगर आप इन दोनों टर्म्स को समझ लेते हो तो ये डॉक्ट्रिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेवर, वेवर का क्या मतलब है? वेवर रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच समबडी गिव्स अप अ लीगल क्लेम और राइट। वेवर बेसिकली वो सिचुएशन है जिसमें एक पर्सन अपने लीगल राइट को लूज कर देता है, अपने लीगल राइट या लीगल राइट टू क्लेम इसे क्या करता है, गिव अप कर देता है। तो वेवर मीन्स अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन गिव्स अप हिज लीगल क्लेम रिगार्डिंग एनी राइट। अब वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि आपका जो राइट था ऑब्जेक्शन करने का किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के, आपने उस लीगल राइट को लूज कर दिया, आपने उस लीगल क्लेम को खो दिया, तो यही है वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट, अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन गिव्स अप हिज राइट टू ऑब्जेक्ट रिगार्डिंग समथिंग नोन एज वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट। तो ये है बेसिक मीनिंग वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट को लेकर के। नाउ क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, तो वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के रिस्पेक्ट। सेक्शन फोर ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 बेसिकली वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है, या आप कह सकते हो इसे डिफाइन करता है। तो आइए सेक्शन फोर को हम समझते हैं। क्या कह रहा है? अ पार्टी हु नोज दैट, एक पार्टी जो ये जानती है कि, अ पार्टी हु नोज दैट any provision of this part from which party may derogate, pehla any provision of
this part from which any provision of this part from which parties may derogate. अब this part से मतलब है arbitration and conciliation act 1996 का part 1, जो कि arbitration के बारे में है. हमारे इस एक्ट का जो पार्ट वन है वो आर्बिट्रेशन और उससे रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में बात करता है, और पार्ट टू कंसिलिएशन के बारे में बात करता है. तो सेक्शन फोर में कह रहा है अ पार्टी हु नोज दैट कि एनी प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, यानी पार्ट वन का कोई प्रोविजन, यानी आर्बिट्रेशन का कोई प्रोविजन, फ्रॉम विच, जिससे फ्रॉम विच पार्टीज मे डेरोगेट, पार्टीज अपने आप को डेरोगेट कर सकती हैं. डेरोगेट का मतलब होता है अपने आप को उस पर्टिकुलर प्रोविजन से अलग कर सकती हैं, या उसे नहीं मानी है. राइट या जिसे पार्टीज ने कम करके दिखाया है, छुपाया है. राइट और दूसरा कह रहा है एनी रिक्वायरमेंट अंडर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. नाउ व्हाट इज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप चाहो तो उस वीडियो को रेफर कर सकते हो, प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा हुआ है. एनी रिक्वायरमेंट अंडर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में कोई रिक्वायरमेंट था जो कि जरूरी था, उसे फुलफिल नहीं किया गया है. हैज नॉट बीन कॉम्प्लाइड, या इसे आप लिख सकते हो हैज नॉट बीन फुलफिल्ड. एनी रिक्वायरमेंट अंडर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हैज नॉट बीन कॉम्प्लाइड और फुलफिल्ड, और कॉम्प्लायंस हैज नॉट बीन मेड. हमें आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के तहत उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया, यानी पार्टी ने नहीं किया, और दूसरी पार्टी इस बात को जान रही है. अ पार्टी हु नोज दैट एनी प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट मीन्स पार्ट वन फ्रॉम विच पार्टीज में डेरोगेट, जिससे दूसरी पार्टी अपने आप को डेरोगेट कर सकती है, एक्सक्लूड कर सकती है, या उसे कम करके शो की है, या उस पे उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है जितना देना चाहिए था, या आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के तहत जो रिक्वायरमेंट था उसे दूसरे पार्टी ने फुलफिल नहीं किया है, उसका कॉम्प्लायंस नहीं हुआ है दूसरे पार्टी के द्वारा, पहली पार्टी इसे जान रही है. एंड येट बिगिंस एंड येट प्रोसीडिंग्स, जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू हो गई हैं. Without stating his obligation to such non-compliance.
विदाउट अनड्यू डिले, यानी कॉम्प्लायंस नहीं हुआ है और प्रोसीडिंग्स शुरू कर दिया गया है, और जिस पार्टी ने कॉम्प्लायंस फुलफिल नहीं किया है, रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं किया है, उसने अपने उस ऑब्लिगेशन को जो कि उसका लाइबिलिटी था कि उसे उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, उसे बताए बिना प्रोसीडिंग्स शुरू कर दिया है विदाउट अनड्यू डिले। और यदि एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट था इस पार्टी को कि ये अपना ऑब्जेक्शन रेज करे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कि देखो दूसरे पार्टी ने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के तहत जो रिक्वायरमेंट था उसे फुलफिल नहीं किया है और ना ही बताया है कि ये उसका ऑब्लिगेशन था इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का, तो यू हैविंग द पर्टिकुलर टाइम पीरियड अवेलेबल, आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड अवेलेबल है, अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऑब्जेक्शन रेज कर देते हो तब तो ठीक है, अगर आप नहीं रेज करते हो तो यानी जो राइट टू ऑब्जेक्ट था आपके पास, ऑब्जेक्शन करने का जो